आज मैं तंदूरी चिकन टिक्का बनाऊंगी और इसे कैसे बनाएंगे बिना तंदूर के, चलिए इसे देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये एक छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन, ये दोनों एक एक बड़ा चम्मच है, और थोड़ा नमक। तो इन सब मसालों में मैं ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन है और बड़े टुकड़ों में कटा हुआ है, ये टिक्का बनाने के लिए परफेक्ट है, तो इसे डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिलाकर मिक्स करके रात भर के लिए या 5-6 घंटे के लिए इसे ज़रूर छोड़ दें, इससे इसका मैरिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। तो मैंने इसे 6-7 घंटे के बाद निकाल लिया है और अब हम इसे पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक की हांडी ली है और उसमें 1 टेबलस्पून सरसों तेल डाला है, और जब वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तब हम ये मैरिनेट किया हुआ अपना चिकन इसमें डाल देंगे। तो इसमें हम चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये चिकन बहुत ही अच्छे से पक ना जाए, और बिल्कुल ड्राई इसे ऐसे ही फ्राई करते रहना है। तो मुझे ये थोड़ा और तीखा चाहिए, इसलिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा कम चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसे ऐसे भून लेंगे। बाकी मसाले हमने पहले ही इसमें डाल दिए हैं, इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तीखा करने के लिए, और इससे थोड़ा कलर भी अच्छा लाल आ जाता है, रेड कलर, तो जो बिल्कुल देखने में टिक्के की तरह लगेगा। तो हम इसे हल्का सा ऐसे बर्न करते हुए भून लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से पक भी गया है और मसाले भी सारे इसके अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे प्लेट में बाहर निकाल लेंगे ताकि जो हमारे पास थोड़े से वेजिटेबल्स हैं टिक्का के लिए उसे भी हम इसी हांडी में रोस्ट कर सकें, इसी ऑयल और इसी मसाले में। तो ये 1/2 कप अनियन पेटल्स है और ये 1/2 कप ग्रीन कैप्सिकम है, और ये 1/2 टमाटो और रेड कैप्सिकम है जो बड़े टुकड़ों में कटा हुआ है। तो इन सबको एक ही साथ हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च डालकर अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट नमक और मिर्च डाल के मैं इसे थोड़ा सा और तीखा और चटपटा बनाना चाहती हूँ, इसलिए बहुत ही हल्का डाला है, एक एक चुटकी, और इसे हाई फ्लेम पे इस तरह से रोस्ट करेंगे, फिर इसे भी निकाल लेंगे। इसे निकाल कर साइड में रखेंगे और अब हम इस फ्लेम पे एक कोल को जलाएंगे, एक कोयला लेंगे, टुकड़ा कोयले का, और उसे अच्छे से जला लेंगे क्योंकि इसी से हम तंदूर का फ्लेवर देंगे। तो इसे मैंने एक कटोरी में रख लिया है जलाने के बाद, और ये जो चिकन टिक्का हमने पहले ही बना के रखा था इसे भी इसमें डाल देंगे अपनी हांडी में, और वेजिटेबल्स इसमें पहले से ही हैं। तो इसी के बीच ये कटोरी रखेंगे कोल वाली, और इसके ऊपर जो हम ऑयल डालेंगे, ये जो चिकन टिक्का से निकला हुआ स्पाइस मिक्स ऑयल है, इसे ही इसमें डाल देंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और स्मोक के थ्रू ये सारा फ्लेवर इस सारे चिकन में और वेजिटेबल्स में बहुत ही अच्छे से चला जाएगा। तो इसे इसी तरह से 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, और ये 2 मिनट के बाद हम इस कोल को बाहर निकाल के रख लेंगे। कटोरी अभी थोड़ी गर्म है, और इसके बाद आप इस तरह से भी इसे सर्व कर सकते हैं प्लेट में, बट अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए या कोई छोटी मोटी पार्टी हो और आप चिकन तंदूरी टिक्का घर में सर्व करना चाहते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो इस तरह से आप स्क्यूअर ले लें, जो यहाँ पे मैंने ये बैम्बू स्क्यूअर लिया है, और इसे इस तरह से अरेंज करें इसमें, क्योंकि ये सब कुछ पक चुका है
तो सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेटिंग करने के लिए सर्व करने से पहले आप इस तरह से इसे अरेंज करके सैलेड के साथ और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस तरह से मैंने इसमें ये दो स्क्यूअर लिए थे और दोनों को अरेंज कर लिया है, कुछ वेजिटेबल्स कुछ चिकन के पीसेस डाल के। और बस सर्व करने से पहले आप थोड़े हाई फ्लेम पे इसे इस तरह से घुमा घुमा कर हल्का हल्का जला देंगे, तो ये बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर देगा और आपके गेस्ट भी खुश होंगे और आप भी अगर इसे इंजॉय करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह से इसे पहले से तैयार करके रख सकते हैं और इसे सर्व करने से पहले सिर्फ 30 सेकंड के लिए इस तरह अगर हाई फ्लेम पे आप इसे थोड़ा हल्का जला दें तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा टेस्ट करेगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसा बना या कैसा लगा।